गया कि प्रशांत किशोर साहब का स्वागत के लिए दो चार शब्द बोलिएगा। मैं स्वागत का शब्द बाद में बोलूंगा, पहले मैं प्रशांत किशोर को सैल्यूट करता हूं। इन्होंने आजादी के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई पॉलिटिकल वर्कर पदयात्रा नहीं किया है। जिस तरीके से पदयात्रा प्रशांत किशोर कर रहे हैं लगातार 16 महीनों से, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के छात्र भी रहे और पॉलिटिकल चीजों को एब्जॉर्ब करता हूं, तो पिछले लगातार 16 महीनों से मैं देख रहा हूं इनके पदयात्रा को। बहरहाल बात बहुत है, मगर सैल्यूट के साथ मैं हजरत शेख सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन लखमीनिया पर इनका इस्तकबाल करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। ये लखमीनिया गांव जो 450 साल पुरानी आबादी, बेगूसराय की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी जो गंगा और गंडक के बीच में बसी हुई है, ये आबादी पूरे जिला में ये मैसेज देती है कि यहाँ के मुसलमान राजनीतिक शोर के साथ राजनीति में अपना क्या कदम उठा रहे हैं। इसलिए हम लोगों की सोच रही कि हम लोग एक माइनॉरिटी की मीटिंग इनके बीच रखें, जहां पर इनको ये समझ में आए कि हमारे मसाइल क्या हैं। बचपन से जब से आंख खोला तो दो ही चीज सुना, मुंगेर का पुल बनेगा और मुसलमान हाशिए पे खड़ा है। भाई कब तक हम लोग हाशिए पे खड़े रहेंगे? आज जो इजलास है, जो तकरीर के लिए रखा गया है, मुसलमान के सियासी हालात पर जो इजलास रखा गया है, तो 2.5 करोड़ मुसलमान बिहार के टकटकी निगाहों से प्रशांत किशोर की तरफ देख रहे हैं कि वो हमारे लिए क्या सोचते हैं, हमारे लिए क्या करने का जज्बा रखते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारी आधी आबादी इलिटरेट है, हमारी आधी आबादी गरीबी स्तर से भी नीचे है, हमारे हालात SC ST से भी नीचे जा चुके हैं, मगर हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे इस जनसुराज अभियान को पद यात्रा में आप लोग जुड़कर अभी नहीं जुड़े, जब आप अपनी बातों को प्रशांत किशोर के सामने रख दें, ये अपनी बात जब रख दें तब आप लोग जुड़े कि ये आपके लिए, आपके समाज के लिए क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे। धन्यवाद।